तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो देखो यार, पूरे एक सप्ताह के बाद आज मैं हमारी स्कूल में आया हूँ। शनिवार को आया था लेकिन सीधा ग्राउंड पर गया था, आप सभी को मालूम है, आपने वीडियो देखी ही है। तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम्प्लीटली 7 दिनों के बाद मैं यहाँ पे स्कूल में आया हूँ। और स्कूल में आया हूँ तो अभी दोस्तों देखो यार, आज मेरे पास 2 खबरें हैं, एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है। तो आप मुझे बताओ यार, आप पहले कौन सी खबर सुनना चाहोगे? तो खैर छोड़ो ये सब बातें, ये तो मैं आपसे बाद में बातें करता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को मालूम है टीके कोटा वाला आर्ट्स कॉलेज में जो टूर्नामेंट खेला है, इंटर कॉलेज हॉकी टूर्नामेंट, उस टूर्नामेंट में हम चैम्पियन बने थे। उस टीम में हमारी 3 लड़कियाँ खेली थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारी खिलाड़ियों ने किया था। तो जो हमारी टीम जीती है पाटन टीके कोटा और आर्ट्स कॉलेज, वो हमारी खिलाड़ियों की वजह से ही जीती है। तो उनमें हमारी सोनल और मिनल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हमारी मिनल ने तो पूरी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 15 गोल मारे थे, और सोनल ने दूसरे नंबर में 7 गोल लगाए थे पूरी टूर्नामेंट में, यानी कि 3 मैचों में। उस दोनों खिलाड़ियों को मैंने कॉल करके हमारी स्कूल में बुला दिया है। तो उसको क्यों बुलाया है वो भी मैं आपसे बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बस दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो में एंड तक बने रहो। और देखो यार, स्कूल में एक बंदर घुस गया है, सभी लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। देखो यार, ये लोग मज़ा ले रहे हैं। अरे यार, उसको बैठने दो, आप अपना काम करो। देखो यार, ए वो काट लेगा। देखो यार, नीचे कुत्ता आया है। दो है। देखो यार ये लोग, देखो यार ये कैसे खुश हो रहे हैं। कम ही मौक़ों पर हमारे गांव में बंदर आते हैं, लेकिन जब भी गांव में जब बंदर आते हैं तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसका खुशी का ठिकाना कुछ अलग ही लेवल का होता है, जो हम अभी आपने देखा आगे। तो बंदर बेचारा परेशान हो जाता है कि भागे तो कहाँ भागे, तो यह सिचुएशन कुछ हो जाता है हमारे गाँव में। तो बस यही सीन चल रहा है अभी तक तो। और चलो अभी देखते हैं, हमारे मानसी भाई बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं वह मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, आज की सुबह हाँ देखो यार, ये खिलाड़ी अभी खेल रहा है और शायद इस साइड भी कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओहो, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अरे वाह। देखो यार, तो देखो यार, मैंने वीडियो को स्टार्ट करते ही आपको बताया था कि हमारे लिए 2 खबरें हैं, एक अच्छी खबर एक और थोड़ी सी बुरी खबर। तो मिनल, आप मुझे पहले बताओ, मैं अच्छी खबर लोगों को बताऊँ या बुरी खबर? अच्छी खबर। चलो, ये लोग बोल रहे हैं कि पहले अच्छी खबर बताओ। तो देखो यार, उस दिन जब कॉलेज में हॉकी टूर्नामेंट था इंटर कॉलेज का, तो वहाँ पर हमारी 3 लड़कियाँ हमारी खेली थी, तो तीनों ने बहुत अच्छा खेला था। मैंने आपको आगे ही बता दिया कि किस प्रकार खेला था, कितने गोल किए थे। तो उसमें से तीनों का सिलेक्शन नेशनल के लिए हो गया था। ये मेरे पीछे मिनल और सोनल, तो ये अच्छी खबर है, दोनों का अभी नेशनल सिलेक्शन हो गया है। और ये लोग अभी शायद 25 तारीख को मध्य प्रदेश में ग्वालियर में जाएंगे हॉकी खेलने के लिए नेशनल। तो ये हमारा काफ़ी अच्छी खबर है। तो दोस्तों देखो यार, अभी मैं आपको बुरी खबर बताता हूँ। ये इस दोनों ने सिलेक्शन उसका दोनों का हो गया, तो ये अच्छी खबर। और हमारी जो सेजल है उसकी उम्र 1 मंथ यानी कि 1 महीना कम है, तो वो बेचारी नहीं खेल सकती, तो ये हमारे लिए एक बुरी खबर है। तो हमें काफ़ी दुख हुआ, लेकिन दोस्तों देखो यार, दुखी होने की कोई बात नहीं, अगले साल तो फाइनल खेलेगी ही खेलेगी नेशनल, सेजल भी और ये दोनों भी खेलेगी। तो अभी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी प्लेयर काफ़ी दिनों के बाद ऐसी बड़ी टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रही है,
उसका रीजन दोस्तों आपको मालूम है कि जब बीच में कोरोना हमने अच्छी तैयारी हमारी चल रही थी और अच्छी परफॉर्मेंस भी उस टाइम भी मिनल का और सोनल का भी नेशनल में सिलेक्शन हुआ था, तो सोनल ने तो खेल लिया था लेकिन मिनल रह गई थी, बीच में कोरोना आ गया था तो हम लोग काफ़ी निराश हो गए थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी थी और प्रैक्टिस भी नहीं छोड़ी थी, आपने देखा है आगे वीडियो में, तो उसका फलस्वरूप आज हमें सफलता मिल ही गई है। तो देखो यार एक बार देखो मिनल आपको कैसा लगता है, बोलो अच्छा लगता है ना। देखो यार हमारी मिनल वाकई बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन मिनल का नसीब ही कुछ ऐसा था कि उसको चांस नहीं मिल रहा था। सोनल को तो अंडर 19 में 2020 में, हाँ 2019 में चांस मिला था, सोनल तो झारखंड खेल के आई है, लेकिन हमारी मिनल देखो सबसे अच्छी प्लेयर है पूरी टीम में और शायद मैं बोलूँ तो पूरे गुजरात में अच्छी ही अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन उसको चांस नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, हमारी मिनल ने हिम्मत नहीं हारी और मिनल ने माता पिता ने हिम्मत नहीं हारी, कंटिन्यू खेलना स्टार्ट रखा। तो देखो यार धीरज का फल मीठा होता है, कहावत है ना एक, तो इसी प्रकार आज फाइनल हमारे मिनल का सिलेक्शन हो गया है और हमारी मिनल, शायद मिनल तुम लोग 25 तारीख को जाओगे बराबर खेलने के लिए ग्वालियर, और ये दोनों जाएगी और बाकी सब यूनिवर्सिटी की जो हमारी पाटन कॉलेज की टीम है उसके साथ जाएगी। तो आप लोग कहाँ जाओगे, मध्य प्रदेश ग्वालियर, नहीं गए ना कभी भी आप, नहीं गई हो तो मैं बोलता हूँ शायद आप तो नहीं गई हो, लेकिन आपके माता पिता और आपके घर से भी कोई नहीं गया है, गए नहीं गया। तो यार ये देखो यार हमारे लिए और आपके लिए कि कितनी अच्छी बाबत है, आप पहली बार MP यानी कि मध्य प्रदेश और ग्वालियर में जा रहे हो, तो ये हमारी देखो पूरी टीम अभी बैठी है साथ में, हम लोग देखो यार साथ में ग्राउंड पर नीचे और बैठे हैं और हम सब लोग क्या कर रहे हैं, और ये हमारी मिनल और सोनल मनोबल बढ़ा रही है कि देखो यार हम भी ऐसे ही खेल के गए हैं, आप लोग भी एक दिन ऐसे जाओगे। तो देखो हमारे मानसी भाई क्या हाल चाल, बोलो क्या चल रहा है अभी आप छोटे छोटे बच्चे। देखो यार मैं आपसे एक बात, देखो यार मेरी बात पहले सुनो आप, मैं आपसे एक बात बताता हूँ बराबर। देखो यार मैंने बिल्कुल उसको खिलाना बंद नहीं किया बराबर, तो उसका फल आज मिला है कि नहीं मिला, बोलो आप खुश हो ना, बहुत खुश हो ना। देखो यार हमारा ये छोटा सा गांव है, जब हमने पहली बार बच्चों को हॉकी खिलाना स्टार्ट किया था 2016 में, तब सबसे पहले ये हमारी दो खिलाड़ी है मिनल और सोनल, उन्होंने हाथ में हॉकी पकड़ी थी, और तब क्या था दोस्तों देखो किसी को हॉकी पकड़ना भी नहीं आता था, मिनल आता था और गांव में किसी ने हॉकी देखी थी नहीं देखी थी बराबर। तो ऐसे में देखो यार ऐसी सिचुएशन में हमने प्रैक्टिस की और सभी बच्चों को सिखाया, और देखो हमारे अंडर में बहुत सारे बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, लेकिन हमें इतनी खुशी तब नहीं मिली थी जितनी आज मिली है, क्योंकि फाइनली हमारा ही मिनल का सिलेक्शन हुआ है और मिनल पहली बार जाएगी, सोनल ने तो खेल लिया है तो वो दूसरी बार जा रही है, और हमारी एक किंजल है ठाकुर किंजल दिलीप जी, उसने भी दो नेशनल किए हैं, लेकिन अभी वो आप उसको वीडियो में नहीं देख रहे हो क्योंकि वो पाटन में पढ़ाई कर रही है, हमें अभी नहीं मिलती है, वो शायद अगले साल हमारी टीम ज्वाइन करेंगी वापस, तब जाके आपको देखने को मिलेगी। सुनो तू पहले बोल कि वीडियो को लाइक करो, बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे। देखो यार ये लोग, ये हमारे गांव का कल्चर है यार, गांव में क्या होता है लोग बहुत शर्माते तो ऑन कैमरा बिल्कुल नहीं बोलते है, लेकिन आज काफी मेहनत के बाद हमारी मिनल बोलेगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों यार फाइनली हमारी मिनल ने भी बोल दिया है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, तो दोस्तों करो, और दोस्तों मैं तो बोलता हूँ कि यार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो यार, ताकि सभी लोगों को पता चले कि पाटन में एक उंदरा गांव है, वहाँ पे बच्चे हॉकी खेलते हैं और नेशनल तक भी सिलेक्शन होते हैं। तो बस दोस्तों आपको हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है, हम आगे ऐसे ही बच्चों को आगे भेजते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले दिन अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए भगवान करे आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।